जंग पर बट गई दुनिया। Bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. गाजा पट्टी में मचा घमासान। В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю и вашу позицию, уважаемый господин премьер-министр, и нашу позицию заключается. Израиль, Америка, сад, сад. हमास से लड़ाई तना तनी गहराई। गजा से बड़ी खबर है। दरअसल इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इसराइल का हमला हुआ है। यूनिवर्सिटी में था हमास का राजनीतिक सेंटर। यूनिवर्सिटी में दी जाती थी हथियार बनाने की ट्रेनिंग और इसे इसराइल ने निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है गजा से, जहां पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इसराइल ने हमला बोला है। यूनिवर्सिटी में हमास का राजनीतिक सेंटर बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में दी जाती थी हथियार बनाने की ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग सेंटर को इसराइल ने तबाह कर दिया है। आइए आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल इन तीन तस्वीरों में युद्ध की विभीषिका को आप समझ पाएंगे। दरअसल गजा पर बमबाजी जारी है, जिसकी तस्वीरें बाईं तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। हमास के ठिकाने पर प्रहार जब हुआ, तब ठिकाना किस तरीके से नेस्तनाबूत हो गया, जमींदोज हो गया, मिट्टी में मिला दिया गया, वो तस्वीरें आप बीच में देख सकते हैं। और गजा के शहर तबाह हो रहे हैं। अल रिमल की बर्बादी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त हमला, पिन पॉइंट टारगेट को तबाह इसराइल की सेना कर रही है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, युद्ध से जुड़ी हुई तीन तस्वीरें। इन तीन तस्वीरों में गजा पर हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इसराइल ने हमला बोला है, चाहे मिसाइल से हमला हो या फिर एयरफोर्स की तरफ से हमला किया गया हो। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसराइल ने गजा पट्टी में 2000 से अधिक हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं गजा पट्टी में इसराइल के हमले में 950 की से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमास के हमले में 1200 इसराइलियों की अभी तक मौत की खबर मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करीब 2000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है इसराइल ने, और पिन पॉइंट निशाना यानी कि जहाँ पर टारगेट सेट किया गया वहाँ पर हमले किए गए मिसाइल से और लड़ाकू विमानों से हमले किए गए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की तबाही गजा पट्टी में हुई है इसराइल के हमले के बाद। और गजा पट्टी के पास स्टेरोट इलाके में अभी भी हमले जारी हैं। देखिए जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए इस वक्त हमें यहाँ पर ये बोला गया, हमारे ड्राइवर गाड़ी छोड़कर अंदर गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आवाज़ें आ रही हैं और तेज़ी से यहाँ पर ये जो हमला हो रहा है उसमें हमें एक बार फिर से इधर भागना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो बहुत ख़राब है। शेल्टर होम्स में जगह लेनी पड़ेगी, लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं और अभी भी यहाँ सायरन नहीं बजा है, लेकिन जो हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी उसको देखते हुए जो यहाँ के हमारे ड्राइवर हैं वो गाड़ी छोड़कर तुरंत शेल्टर होम के अंदर आए, और हमें भी शेल्टर होम में आकर इनसे बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर की तरफ ही यहाँ पर मौजूद रहे। सर 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 डोंट गो सर, यस यस, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट व्हाट हैपेंड रिसेंटली व्हेन हमास अटैक फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। दिस फर्स्ट दिस एरिया प्रोटेक्शन फ्रॉम द बॉम्ब टू कम द गाजा फ्रॉम द सिटी जरोट, द बॉम्ब कम फ्रॉम द जरोट सिटी, this area protection for the people, you know. Yes. He make it more than 12, maybe 15 bomb to Sderot. But when they attacked, we did not listen any siren. Why? What you say? We did not listen any siren before the attack. No, 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 no. Siren. No.
I don't understand you maybe, what you say exactly, you know. No siren, no sound siren. No, no problem, no problem. Yeah. All the bomb come out. Yeah. No, maybe the house over here, the bomb come over here. Same have, I know how you say in English, in Israel they have something, he make, if the Qassam bomb come to Israel, have bomb Israel come in the area, boom, he make it, you know. Yeah, we have a little bit of time. इसी जगह पर थोड़ी देर मौजूद रहेंगे क्योंकि बाहर लगातार हवास की गाजा पट्टी का जो एरिया है वहां से आतंकी हमला किया जा रहा है। किपात बर्ज़ेल, किपात बर्ज़ेल, ही कम बम फ्रॉम देयर, ही पुट बम फ्रॉम हियर एंड देयर, बूम, यू अंडरस्टैंड? यस यस। तो देखिए थोड़ी देर हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं, गाजा पट्टी से हमास हमले कर रहा है और हमें शेल्टर होम्स में रुकना पड़ेगा। बाहर से आवाजें आ रही हैं, रॉकेट से यहाँ पर धमाका किया जा रहा है, लेकिन कोई सायरन की आवाज हमको यहाँ पर सुनाई नहीं दी है। हम गाड़ी में से निकलकर तुरंत भागे हैं और इस जगह पर हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। हमारे ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी में से निकलकर आए और यहाँ पर हमें रुकने के लिए बोला है, जब कम से कम 5 से 10 मिनट तक, उसके बाद दोबारा हम जाएंगे। लेकिन हमें कोई सायरन की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, पर यहाँ पर हमने देखा किस तरह से आसमान में हमें धमाकों की आवाज सुनाई दी। तुरंत हमने गाड़ी रोककर शेल्टर ढूंढा और यहाँ पर आकर खड़े हो गए। विशाल पांडे, जी मीडिया, एस्ट्रोद, इजराइल।